हेलो साथियों, नमस्कार, राम राम सभी को। तो साथियों, आज है 28 सितंबर और आप पीछे देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है और अभी भी लगातार बारिश हो रही है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश अयोध्या में। और धान वान लगभग डूब चुके हैं, आप पीछे देख सकते हो फसल कितना ज़्यादा ऊपर तक पानी भरा हुआ है। और जो भी गन्ने की फसल थी वो गिर गई है। जो हमने अभी कुछ लोग टमाटर लगाने वाले लोग थे, नर्सरी वगैरह डाले थे, नर्सरी वगैरह सारी डूब गई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अभी भी जो है लगातार बारिश हो रही है, भी आपको हम दिखा देते हैं पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है। अभी हम जो है सड़क पे हैं, अभी सुबह का सीन है, अभी निकले हुए लगभग 7:30 के आसपास टाइम है। अभी आप पीछे देख सकते हो यहाँ धान, कुछ धान डूब गए हैं, कुछ जो है जहाँ तक बाली होती वहाँ तक पानी भर गया है। तो अभी तक तो बारिश बिल्कुल हो ही नहीं रही थी, पूरा जो है बरसात का समय चला गया। लेकिन आज दो दिन से इतना ज़्यादा बारिश हो रही है कि जैसे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। लग रहा है कि इस बार अब बाढ़ आ जाएगी। अभी तक हमारे जीवन में इतना ज़्यादा पानी नहीं भरा हुआ था। अभी हम खेत में आए थे, जो हमारा ट्यूबवेल का घर होता है उसमें भी पूरा नींव के ऊपर पानी आ गया है। हमने कुछ सामान जो झटका मशीन वगैरह थी उसको ऊपर उठा के रख दिया है और अभी भी लगातार बारिश हो रही है। मैं छाता लेकर निकला हूँ, आप देख सकते हो। और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हो, आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप खेती किसानी करते हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं। अभी आप देख सकते हो चारों तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा होगा। जहाँ भी देखो आप, देखिए धान वन डूब रहे हैं, इधर धान डूब रहा है, इधर खेत खाली था पूरा पानी भरा हुआ। पीछे भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है और अभी लगातार पूरा बारिश हो रही है। इधर देख लीजिए, कहीं कहीं धान डूब गए हैं, जो छोटी धान थी डूब रही। यहाँ पर देखिए बाली के बराबर पानी आ गया है। इधर भी आप देख सकते हो जहाँ तक बाली निकलती है वहाँ तक जो है पानी आ गया है। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लग रहा है कि बाढ़ आ जाएगी इस बार हमारे उत्तर प्रदेश अयोध्या में भी। और अभी तक लगातार बारिश हो ही रही है। तो अब हम चलते हैं घर, नहीं तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गई है। अभी तक तो किसान लोग परेशान थे कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अब उनको बारिश से खतरा होने की संभावना हो गई है, क्योंकि उनकी फसल वगैरह नष्ट हो रही है। अब धान डूब रहे हैं, गन्ना गिर रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। प्लीज़ लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।